डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसे कि साइंस में अभी हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग NCERT के बीच में कुछ क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक के किया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखेंगे, क्वेश्चन लिखा जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। चलिए, आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हाइड्रोक्लोरिक गैस है। अब हाइड्रोक्लोरिक गैस किसको बोल रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है ना, HCl, उसी को बोला जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्योंकि ये भी शुष्क है, सूखा है, ठीक है। तो जब ये सूखा है तो लिटमस पत्र का जो रंग बदलता है, जैसे कि हम लोग सीखे हैं कि अगर नीला से लाल कर देता है तो अम्ल है, लाल से नीला कर देता है तो क्षार है। तो रंग बदलेगा तभी ना पता चलेगा। लेकिन ये HCl कैसा है? शुष्क है, मतलब कि सूखा हुआ है। तो लिटमस का पत्र जो है, रंग जो है, नहीं बदलता है। इसका वजह पूछ रहा है कि आखिर रंग क्यों नहीं बदलता है। लिखेंगे उत्तर में, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकरण नहीं होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकरण नहीं होता है, अतः अतः लिटमस पत्र के रंग को अतः लिटमस पत्र के रंग को शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र के रंग को ऐसे लिखिएगा लिटमस पत्र के रंग को शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस नहीं बदलती है। ध्यान रखिएगा कि अगर सूखा HCl है तब ये आयनीकृत नहीं होता है, बजाय यदि ये जल के साथ अभिक्रिया करता, यानी कि ये सूखा नहीं होता, कुछ नमी होता, तब हाइड्रोनियम आयन देता, यानी कि आयन में क्या हो जाता, टूट जाता। यानी कि याद रखिएगा कि अगर HCl की मात्रा जो है सूखा हुआ है, इस सूखे हुए के कारण ये है क्या, सूखा हुआ है, जब अकेले शुष्क है तो ये कभी भी आयनीकृत नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगा, जब तक इसमें जल की मात्रा न हो, ठीक है। जब तक जल की मात्रा, अगर थोड़ा सा भी जल का मात्रा हो जाएगा ये खुद टूटने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का जो लिटमस पत्र का रंग है वो नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि कभी भी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस का आयनीकृत नहीं होता है, ये आपस में कभी नहीं टूटते हैं, ठीक है, बिना वाटर के, बिना जल के, चूँकि सूखे हुए हैं। तो इसका आंसर हम लोग कंप्लीटली कर लिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले नोट डाउन किया जाए। लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, कॉमा, न कि जल को अम्ल में, न कि जल को
अम्ल में। चलिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है और आज हम लोग बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, और आपको भी जानना चाहिए कि कभी कभी भी, ठीक है, कभी भी, हमेशा आप याद रख लो कि अगर मान लिया पहले से यहाँ पे कोई अम्ल है, पहले से क्या है, एक बर्तन में अम्ल है और ऊपर से आप जल डाल रहे हैं, यानी कि पहले से ऑलरेडी अम्ल की मात्रा है, आप जल को अम्ल में डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिचुएशन दिखाते हैं, पहले से जो है जल है बर्तन में, क्या है, जल पहले से ये है और बाद में ऊपर से अम्ल डाल रहे हैं। अब इसमें क्या सही है, कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है, तो यहाँ पे ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तरीका सही है। यानी कि अगर कोई भी अम्ल है आपके पास और आप उसमें जल मिलाना चाहते हैं, तो आप अम्ल को कभी भी अम्ल में जल को नहीं डालिए, अम्ल को रख कर और उसमें जल नहीं डालिए, आप जल को रख कर अम्ल को उसमें मिलाइए, ये सही तरीका होता है। तो क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि क्या वजह है कि किसी भी अम्ल को तनुकृत, तनुकृत का मतलब ढीला, जैसे कोई गाढ़ा विलयन होता ना है, उसको ढीला करने के लिए आप पानी वगैरह मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी विलयन है उसको तनुकृत करना है, मतलब कोई ढीला करना है, ठीक है, वो टाइट है, मतलब कि एक गाढ़ा विलयन है, तो उसको ये करना है, माने और उसमें मिक्स करना होगा वाटर को। तो याद रखिएगा, सवाल बोल रहा है कि अम्ल में कभी भी जल को नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा जल में ही अम्ल को मिलाना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए, क्यों का जवाब हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा जाए, उसके नीचे लिखेंगे, अम्ल को तनुकृत करते समय यह अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि क्योंकि जल को क्योंकि जल को अम्ल में मिलाने से, जल को अम्ल के में मिलाने से वह तीव्र अभिक्रिया करके, वह तीव्र अभिक्रिया करके विस्फोट कर सकते हैं, वह तीव्र अभिक्रिया करके विस्फोट कर सकते हैं, अतः हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, अतः हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि बल्कि हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अब आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए कि आखिर क्या वजह है कि जल को हम लोग अम्ल में नहीं मिलाते हैं। याद रखिएगा, जब जल को हम अम्ल में मिलाएंगे तो बहुत तेज अभिक्रिया कर लेता है, तेज अभिक्रिया करके विस्फोटक पदार्थ के रूप में, एक ब्लास्ट जैसा हम लोगों को देखने को मिलता है, इसी वजह से हम लोग कभी भी जल जल को अम्ल में नहीं मिलाते हैं, हम लोग जल में अम्ल को मिलाते हैं, ठीक है। पहले जल स्थिर है, यानी कि जल पहले रख लेना है, उसमें धीरे 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 अम्ल को डालते जाना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से अम्ल रखे हुए हैं उसके बाद अगर वाटर आप डालेंगे, जल डालेंगे, तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एक विस्फोटक जैसा निर्माण होता है, विस्फोटक यानी कि पटाखा जैसा, बहुत हाईली जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि किसी भी अम्ल को जल में ही मिलाना चाहिए क्यों, अगर यदि जल को हम लोग अम्ल में नहीं मिलाने का सलाह दिया जाता है, यही क्योंकि ये तीव्र अभिक्रिया करता है और एक ब्लास्ट जैसा, एक बोल सकते हैं विस्फोटक पदार्थ के जैसा बिहेवियर करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, अम्ल के विलयन को,
तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को तनुकृत करने समय करते समय हाइड्रोनियम आयन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा H3O+, हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, कैसे प्रभावित हो जाती है। चलिए सवाल क्या बोल रहा है कि जब हम लोग किसी भी अम्ल को तनुकृत करते हैं, मतलब कि ढीला, विलयन को ढीला बनाते हैं, तब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बढ़ता है कि घटता है कि क्या होता है। तो आप जानते हैं ना कि शुष्क अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो कभी भी हाइड्रोनियम आयन नहीं देगा। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम जल को उसमें मिलाएंगे या जल के साथ अभिक्रिया करेंगे उतना ही हम लोगों को हाइड्रोनियम आयन देगा। जैसे मान लिया कि HCl खाली है, ठीक है, और इस HCl खाली है, यहाँ पे कोई वाटर वगैरह नहीं है, जब इसको हमको तनु करना होगा, इसको ढीला करना होगा, तो इसके साथ हमको वाटर देना होगा। और जब HCl और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो नोट में हम लोग पिछले क्लास में सीखे हैं कि हाइड्रोनियम आयन देगा और उसके बाद Cl- देगा। तो हाइड्रोनियम आयन जो देगा तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि हाइड्रोनियम आयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब H2O नहीं था तो ये भी नहीं था, H2O थोड़ा सा आया तो ये थोड़ा सा बना, यानी कि ये इसका प्रभाव पड़ेगा कि हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा था कि किसी भी अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। तो लिखा जाए 5वां का आंसर। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। लिखा जाए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में उसको लिखिएगा OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है और उसमें और अधिक क्षार को अगर उसके साथ मिला देंगे तो OH- क्या होगा। तो OH- किसको दिखाता है, क्षार को दिखाता है ना, और NaOH खुद एक प्रबल क्षार है। ठीक है, और जब इसको और क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो OH- की संख्या और ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि पहले से ही वो प्रबल क्षारक के रूप में रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाती है क्योंकि यह एक प्रबल क्षारक है। ध्यान दीजिएगा, क्यों बढ़ जाती है,
ये भी याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर किसी और क्षारक के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका सांद्रता जो है OH माइनस का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो खुद NOH क्या है, प्रबल क्षारक है जिसका pH वैल्यू 14 होता है। हम लोग आगे के कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज हम लोग पूरे प्रश्न को ख़त्म कर लिए हैं। तो आने वाले अगले क्लास में फिर से कुछ पॉइंट्स बनाकर टॉपिक्स को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।